देख लेना, आते ही मुझ पे टूट पड़ेगा वो। अभी अभी चाशनी से नहा के जाए। तुम जब गाड़म होती है सिर्फ तभी और तुम्हारे तरफ देखता है। आने दे उसे, अमार गोरा रंग देखकर अगर उसके मुंह में पानी नहीं आया तो अमार नाम भी रसगुल्ला नहीं। मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है मेरी रसगुल्ले। नानू बिहेव। क्रीप, कौन है ये लोग जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? यहाँ ये उसके लिए लड़ रही है, वहाँ वो मेरे लिए। हजरत हजरत हजरत, दिले बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सबसे पहले बफी ये अब तक अपने करेक्टर में है। तेरा करेक्टर क्यों चेंज हो गया? ठंडी बढ़ गई क्या? अबे सुन मोटे, वेट लूज करके आप फिर बात करियो। ओ क्रिस गेल की बहन, पहले फेरन लवली लगा क्या, फिर बात करियो। अबे लड्डू साले, देसी घी खा के फूल रखा है, बूंदी से कुछ सीख। क्या सही मेंटेन किया हुआ है? ओ जैसा भी हूँ डिमांड में रहता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो दिवाली आई तभी बिकूंगा। मंदिर का प्रसाद हो या शादी की मुबारकबाद, तुम्हारा भाई हमेशा सारा साल छाया रहता है। और तू सोन पापड़ी साले वंडरलस्ट, गिफ्टों किसी और का, मुझे खोलता कोई और है। हम मुसाफिर हैं भाई, ट्रैवलिंग इज माय पैशन। मैं बटना चाहता हूँ, मैं खुलना चाहता हूँ, मैं डायबिटीज का कारण भी बनना चाहता हूँ, बस सड़ना नहीं चाहता। ए तुम बनी नहीं, तुम फनी है। और तुम छड़े का साला, अपने बोंदों के साथ शेम एमसीडी कचरा में। तुम्हारी तो आवाज से ही चाशनी टपकती है मेरी रसगुल्ले। बुड्ढे साले बासी हो गया, तेरी मिठास नहीं गई अभी तक। आए गुलाबो, अपने नाना को समझा, पूरा टाइम अमार साथे फ्लर्ट करता रहता है। परसों जब हम चाशनी में नहा रहे थी, ये अमार कढ़ाई में घुस गया था। या ही इज ऑलवेज डिगिंग इनटू मी। बफे सर, शेम ऑन यू नानू। आप जैसे इंसान को तो, आप क्यों, तुझ जैसे इंसान को तो ताउम्र डब्बे में बंद कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खाड़ देते हैं इसकी। तेरी माँ का लड्डू खुदा शुगर बंदी करा के बैठा है। उड़ी बाबा, लड्डू शुगर फ्री है? अरे ये कैलोरीज कैसे पैदा करेगा? ये तो नॉन मिठाई है। मैंने सुना है शुगर फ्री छूने से फैलता है। शुगर बंदी, वाव। हाँ कराई है मैंने शुगर बंदी और हूँ मैं शुगर फ्री। तो हर साल लोगों में इतनी डायबिटीज और कैलोरीज बढ़ रही हैं, और ये देखते हो मैंने करा भी ली शुगर बंदी, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। मुझे गर्व है अपने इस डिसीजन के ऊपर। और मीठा होना ही मिठाई का मतलब नहीं होता। मेरे हिसाब से मिठाई का असली मतलब ये होता है कि लोगों की कैलोरीज का ध्यान रखना, लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स की रिस्पेक्ट करना। और अगर सच में मिठाई का यह मतलब होता है कि लोगों की इज्जत को भरे हॉस्पिटल में उछालना, तो मैं खुश हूं ना मिठाई होकर। चल बोजड़ी के। लगता है कोई आ रहा है। ए अमर को लो, अमर को लो। मैं ही खाऊंगा मेरी रसगुल्ली। लेना एक मिनट, 100 एक मिनट, 100 मेरे को लेना। बड़बई बड़बई, शुद्ध सी का मालूम, शुद्ध सी का। अरे चूतिया बना रहा है, रिफाइन का माल है। मुझे मत लेना, ही सो फैट एंड अगली। तुम सोन पापड़ी पे कहाँ जा रहे? आए इधर इधर, रसगुल्ले सोन पापड़ी को नहीं। अरे बाबा, मुझे पहले से इस बात का इल्म। आउच, क्या बे तुम मिठाइयों को क्या लगा, अपने ऊपर हमारी डेकोरेशन करके हमसे हमारी पहचान छीन लोगे। काजू का, किशमिश का, बादाम का, सबका बदला लेगा तेरा पिस्ता। Oh yeah, I'm liking it. Hi guys. So thank you for watching our video. And मिठाइयाँ तो हम सबको बहुत पसंद है, पर मिठाइयों की life कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं। And हमारी video को जरूर share करें, and all right को जरूर जरूर subscribe करें, and अपने family और friends के साथ खूब सारी मिठाइयाँ खाएं, खुशियाँ मनाएं, and have a all right Diwali.